शाम का प्लान डन है ना? मेरी तरफ से तो प्लान कंफर्म है। अच्छा बाल खुले रखना और ज्यादा प्यारे लगेंगे। ओके। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। सुबह हो गई? जी हो गई है। मुझे उठाया भी नहीं, ऑफिस के लिए भी रेडी हो गए। घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं अभी तक सो रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है? कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। और तुम मुझसे मिले बगैर ऑफिस चले जाते? हाँ तो उससे क्या होता, ऑफिस जाती तुम्हें कॉल करता, फोन पे बात हो जाती। फोन पे बात हो जाती ना, लेकिन तुम्हें ऑफिस जाते हुए तो नहीं देख पाती। तो फिर क्या होता? उससे क्या होता? उससे ये होता कि जो अच्छी बीवी होती हैं वो इसी दिन अपने हस्बैंड्स को खेत तक ड्रॉप करने जाती हैं। इसका मतलब है कि मैं ये यकीन कर रहा हूँ कि मुझे भी अच्छी बीवी मिली है। जी करने। ऑफिस आना जरूरी है तो दो मीटिंग्स हैं, तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? नहीं कोई प्लान नहीं है, मैंने सोचा था बस हम कहीं बाहर चलते हैं। अभी चलना? नहीं तो फिर क्या टेंशन है, मैं ऑफिस जाता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ वेट करो ना, मैं बस जल्दी से चेंज करके आ जाती हूँ। मैं तुम्हें बाय बाय कह। सुने हैव अ नाइस डे इन द ऑफिस। ओके Also, good day, you too. Don't forget to miss me. Okay? Bye. हेलो, मुझे दोबारा कॉल करो और जब तक मैं पिक ना करूं कॉल करती रहना। क्या मतलब, कॉल ही तो कर रही हूं। वेटिंग फॉर योर कॉल। शाज़ीब लगा के जनाब फोन ही नहीं पिक करेंगे, बार बार कॉल करनी पड़ेगी। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन मुझे लगा कि तुम इरिटेट ना हो जाओ, तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए पिक कर ली। लगता है कोई नई रिंगटोन सेट किया है तुमने जिसे सुनने का बार बार बहुत दिल चाह रहा है। नहीं, तुम्हारा नंबर अपने फोन पे इतने अरसे के बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये एहसास कि तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में मेरी बीवी की हैसियत से मुझे कॉल कर रही हो, मुझे खुश करने के लिए काफी है। क्या वो चुप क्यों होंगे? कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि सैंडविचेस क्यों भेजे हैं तुमने कॉल करके? जब खबर मिलेगी कि मैडम ने लंच ठीक से नहीं किया है तो फिर फोर्सफुली खिलाना पड़ेगा ना।
इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। क्यों जरूरत नहीं है? अब तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा ख्याल आप रखेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी। इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रखते जिंदगी गुजर जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाम का प्लान डन है ना? मेरी तरफ से तो प्लान कंफर्म है, आपका तो कोई प्लान नहीं है? मेरी बस एक मीटिंग है छोटी सी, वो करते ही तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। बड़ा यकीन है कि मुंतजर मिलूंगी? हाँ यकीन है, क्योंकि शादी के बाद पहली मरतबा तुमने खुद बाहर जाने की फरमाइश की है मुझसे। जी क्या पहन रही हूँ? आपका फेवरेट कलर पहन रही हूँ। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मेरी पसंद ना पसंद का भाई। तो क्या करूं, ना रखूं पसंद का ख्याल। चलो एक काम करती हूँ, वो कलर पहनती हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। प्यारी तुम उसको भी लगोगी। अच्छा अच्छा बाल खुले रखना, और ज्यादा प्यारी लगेगी। ओके बाय, मिलते हैं शाम को। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.